हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपको नए डिजाइन की ऊन दिखाऊंगी। ये देखिए आप, इस प्रकार के ऊन है, मोटा ऊन है और बहुत ही जल्दी बनकर इसका स्वेटर तैयार हो जाता है। ये हमने 6 नंबर से बनाया है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और बहुत ही सुंदर ऊन है। अब मैं आपको इसका स्वेटर बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस ऊन से हमने इस प्रकार से डिजाइन डालकर 6 नंबर की सिलाई से स्वेटर तैयार किया है। ये आपको मैं इसके फंदे आपको बहुत कम डालने हैं। अगर आप 30 फंदे डालें स्वेटर में तो इसमें 20 फंदे डालें। इस हिसाब से आप फंदे डालें, क्योंकि मोटा ऊन है, मोटी सिलाई लगेंगी तो उस हिसाब से आपको फंदे बहुत ही कम डालने हैं। अब मैं आपको ये डिजाइन बताऊंगी ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए कितना सुंदर स्वेटर बनकर तैयार होगा, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको डिजाइन बताती हूँ कैसे बनाना है। ये जैकेट है, तो जैकेट में पहले हम साइड में बटन पट्टी लगाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए हमने एक फंदा स्लिप किया और यहाँ पर बटन पट्टी बनाएंगे। अब मोटी ऊन के कारण हमने 4 फंदे बटन पट्टी के लिए, ये देखिए ये 4 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए हैं। और अब हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन किस प्रकार से बनाना है ये देखिए। 2 फंदे पहले सीधे लेंगे, 1 2, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे किया, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे किया। 6 फंदों का ये डिजाइन है, 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इसी प्रकार से अब आगे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे। इस प्रकार से हमने अपना डिजाइन कंप्लीट करना है। अब आगे ये साइड में भी हमने 4 फंदों से पट्टी बनाई है। दोनों साइड में पट्टी बनाई है। ये देखिए रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में उल्टा उल्टा कंप्लीट करना है। कोई भी फंदा उल्टा या सीधा नहीं, सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। दूसरी साइड में पट्टी हमने डिजाइन की वजह से बनाई है कि ऊपर जाकर हम कंधे इसी में से बनाएंगे। इस पट्टी को कंधे के साथ साथ चलाएंगे, ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको डिजाइन बता देते हैं। ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो गई। अब 2 रो फिर से इसी प्रकार बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे और 4 फंदे उल्टे। फोर फंदे उल्टे, ये देखिए उल्टे पर ही उल्टा लिया है और ये सीधे फंदे हैं तो इनको हम सीधा ही बुनेंगे। 2 फंदे सीधे और फिर से 4 फंदे उल्टे,
ये फोर फंदे उल्टे, टू फंदे सीधे, पूरी सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए फंदा स्लिप करें। अब आगे हम रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड की सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी बनेंगी। ये हमारा मोटी ऊन का डिजाइन है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब आप देखिए हम डिब्बी को कैसे चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद डिब्बी की कैसे बनेगी, ये उल्टा उल्टा कंप्लीट करें। मोटी सिलाइयों से और मोटी ऊन से बहुत ही जल्दी बनकर स्वेटर तैयार होता है, थोड़ा ऊन ज़्यादा लगता है। ये देखिए यहाँ पर पहले हमने टू फंदे सीधे लिए थे, अब इन टू फंदों को हम उल्टा करेंगे। वन टू, टू फंदे उल्टे किए या फोर फंदे उल्टे हैं, फोर फंदे में से फर्स्ट वाला फंदा भी उल्टा बुनेंगे और ये सेकंड और थर्ड वाला फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए अब वैसे ही टू फंदे सीधे और फोर फंदे उल्टे, ये फोर टू फंदे जो हैं ये बीच में आ जाएंगे और दोनों साइड हम एक एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फोर फंदे, अब ये फोर फंदे थे जो इसमें से बीच के टू फंदे सीधे बने जाएंगे। इस प्रकार ऐसे ही डिब्बी पर डिब्बी चेंज होती जाएगी और यही फोर सिलाइयां आप रिपीट करते रहेंगे, फोर फंदे उल्टे और टू फंदे सीधे। जो फोर फंदे उल्टे हैं उसके बीच के टू फंदे आपको सीधा रखना है। ये देखिए टू फंदे हमने सीधे रखे हैं और फोर फंदे उल्टे किए हैं, तो ये टू फंदे जो हैं ये उल्टे फंदों के बीच में आने चाहिए। इस हिसाब से आप डिब्बी चेंज करें। ये देखिए अब यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक पट्टी तैयार की है जो ऊपर चलकर हमारे कंधों से का काम करेगी। हमें इसमें कंधे नहीं बनाने पड़ेंगे, ये पट्टी हमारा कंधे का काम करेगी और इस प्रकार से आप ये फोर सिलाइयाँ रिपीट करती रहेंगी। ये देखिए और ये डिजाइन किस प्रकार से दिखाई देगा ये आप देख सकते हैं। ये डिजाइन फिर बनकर इस प्रकार से तैयार होगा। ये फोर सिलाइयाँ आप बार बार रिपीट करते रहें और डिब्बी को चेंज करते रहें। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।